हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद के बॉयज़ हॉस्टल में हैं और लगभग सारे जो बॉयज़ हैं वो हॉस्टल खाली करके जा चुके हैं। तो हम आज आपको बॉयज़ हॉस्टल का जो टूर है उसी को कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरे तरीके से देखिए, स्किप मत कीजिएगा बीच में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पूरा हॉस्टल का टूर जो भी है। वो सामने जो दिख रहा है आपको बॉयज़ हॉस्टल है और उधर जो पानी टंकी दिख रही है उधर गर्ल्स हॉस्टल है उस साइड। और ये पूरा जो इधर आपको सामने दिख रहा है इधर सब टीचरों लोगों का है हाउस और इधर टंकी है, इधर जाना मना है। बाकी जो हमारे अभी जूनियर्स लोग आएंगे वो थोड़ा इस बात का ध्यान दें। और चलिए अभी दिखाते हैं आपको वीडियो अंदर से हॉस्टल कैसा है ये सारा कुछ। अभी तो फिलहाल यहाँ जो है कि बारिश की वजह से ये सारी चीज़ें पेड़ पौधे जम गए हैं। बाकी आप जब आएंगे तो उसको साफ़ करवाया जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाता है। हम लोग भी आए थे तो उसको साफ़ सुथरा किए थे। और ये देखिए मेन एंट्री गेट है यहाँ से आपका, ये पूरा ऊपर देखिए लिखा होगा बॉयज़ हॉस्टल, दिख नहीं रहा है पेड़ की वजह से। और ये सब साफ़ सुथरा जब हो जाता है तो थोड़ा और क्लीन दिखता है, सब कुछ साफ़ सुथरा अच्छे से दिखता है। और ये रहा एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे ये देख सकते हैं ये सब बिजली वाला सब कुछ सामान है। सब यहाँ से जो भी बिजली फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर का जितनी भी बिजली होती है सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक, ये मेन उसका पावर है। और ये आपका दिख रहा है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर यहाँ रूम नंबर 101 से 110 तक है पूरा। और उधर लास्ट में जो है कि बाथरूम लाइटिंग है, सब कुछ हम दिखाते हैं अभी। आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे अभी नए आने वाले हैं फिलहाल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में, वो बॉयज़ हॉस्टल अगर कोई लेना चाहता है तो वीडियो को देख करके ही आए। और ये हमारा जो है मेस है, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं तो वही इसमें देखो खाना पीना सब कुछ खाया जाता है। ठीक, यहाँ पे टेबल कुर्सी लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल तो कुर्सियाँ कुछ टूट गई हैं तो अभी नहीं है, फिलहाल अंदर रखी हुई है स्टोर रूम में। जब आप लोग आएंगे तो हो सकता है नई नई कुर्सियाँ निकल जाए। ये मेस है जिसमें हम लोग बैठ करके यहाँ लाइन से भाई कुर्सी लग जाता है, इसमें हम लोग खाना वाना खाते हैं। फैन वैन भी सब कुछ लगी हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है काउंटर आप लोग दिख रहे हैं, जो मेस वाले भैया हैं यहाँ पे अपना काउंटर जो है कि खाना पीना जो भी बनाते हैं इस पे रख के आप लोग को देते हैं खाने के लिए। और आप लोग जब भी आइएगा तो खाना लेने के लिए अपना थाली वगैरह जो भी है सब कुछ खाने का सामान लेके आइएगा। बाकी खाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और बाकी जिसमें आप खाएँगे, थाली हो गया, प्लेट हो गया या ग्लास हो गया, वो आप लेते आएँगे। ठीक है, इसके अलावा इधर देखिए सामने आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आप बर्तन धुलने के लिए, ताकि आप खाना वाना जो खाने के बाद जो भी ग्लास प्लेट या कुछ भी धुलना चाहे तो यहाँ से आप धुल सकते हैं। वेस्ट खाना को ऐसे डिब्बे में फेंक सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए वाटर कूलर लगा हुआ है जो कि पानी फिल्टर होता है, पानी फिल्टर होकर के इसमें आता है, आपको ठंडा पानी हमेशा मिलेगा 24 घंटा एकदम बढ़िया सा। बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है सब कुछ फर्स्ट क्लास। ठीक, तो ये रहा हमारा मेस, मेस देख लीजिए अच्छे तरीके से पूरा कैसा है आपको एक बार दिखा देते हैं क्लियर। तो ये होगा हमारा मेस। और चलिए अब दिखाते हैं आपको कमरा, जो कि कमरा कैसा कैसा है। ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर देखिए रूम नंबर 101 यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड होता है 110 पे। ठीक है, तो इधर जितने भी कमरे दिख रहे हैं आपको पूरा 1/2, 102, 103 ऐसे कुछ है। इधर देखिए कमरा नंबर 103 है, इधर डस्टबिन है, बाहर डस्टबिन भी रखा रहेगा। आप लोग जो भी अगर यहाँ से खाने के अलावा अगर बाहर की कोई चीज़ें लाते हैं तो आप अगर जो भी डस्ट वगैरह होंगे प्लास्टिक सब कुछ इस डस्टबिन पे रखिएगा। यहाँ पे बाहर नीचे कुछ नहीं फेंकना है फिलहाल। और 104 है इधर, लास्ट में जो है कि 105 है। उधर जो आपको सामने दिख रहा है उधर टीचर्स लोग और जो बाथरूम वाथरूम साफ करते हैं, भैया साफ़ सफाई करते हैं, वो लोगों के लिए कमरा है ये। 100 रूम नंबर 105 है। और ये हमारा देखिए वॉशरूम है सब कुछ, हालांकि फैसिलिटी उतनी अच्छी थोड़ी बहुत नहीं है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है यहाँ का जो है कि बाथरूम वाथरूम, लेकिन ठीक है अभी साफ़ सुथरा हो जाता है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाता है। ठीक, बाथरूम। और ये रहा दूसरा बाथरूम, इधर भी है ये देखिए सेम वैसा ही है सिचुएशन जो भी है। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। हालांकि इस साइड में जो इधर दिख रहा है आपको पूरा कमरा नंबर 102 103 104 ऐसे है और इधर जो है 105 106 107 है। ये सारी चीज़ें देखिए रूम का कंडीशन, अभी फिलहाल जो है कि सारे बच्चे रूम खाली कर कर गए हैं क्योंकि हॉस्टल एक साल के लिए ये अलॉट होता है। तो अब रूम देख सकते हैं सब कुछ खाली है फिलहाल, फैन लगा हुआ है, इधर अलमारी है ऐसा जो भी है। कुछ कमरों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है लेकिन जो भी है हद तक ठीक है। ठीक है, और इधर कमरा नंबर 108, नंबर 110 है। और इसके भी फैसिलिटी दिखा देते हैं आपको, ये रहा चौथियाँ हैं। ये है कि आपको हर कमरे में
एक कमरे में तीन लोग रहेंगे और तीनों लोग के लिए एक एक चौकी अलॉट रहेगा, फैन भी अलॉट रहेगा हर जगह। यहाँ पे फिलहाल अभी तो नहीं है, निकल गया है, लेकिन हर जगह रहेगा। ऊपर भी आपको चलिए दिखाते हैं, ये अभी हम ऊपर का भी अब दिखाते हैं जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर का कैसा सीन है। फर्स्ट फ्लोर का ये रहा बाहर का दृश्य, बाहर उस साइड आपसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये कमरा नंबर 201 से लेकर 210 तक स्टार्ट होगा। इधर आपको कॉमन रूम है, अगर आपको बातचीत करना हो या कुछ भी करना हो तो इधर आ सकते हैं। कपड़े वपड़े सुखाना हो तो आप इधर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो भी है डारा वाड़ा बांध लीजिए, यहाँ से रस्सी बांध करके आप आइए, कपड़ा वपड़ा सुखा लीजिए। ये टंकी है, बस इधर नहीं जाना इस फ्लोर पर, तो फिलहाल हम लोग को मना था, लेकिन हम लोग आते थे थोड़ा बहुत कपड़ा टांगने के लिए यहाँ से ऐसे रस्सी बांध करके। और इसके ऊपर भी अभी एक और है, आपको दिखाते हैं, अभी फिलहाल चलते हैं उधर, कमरा दिखाते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ से बाहर खिड़कियाँ देखिए, ये देखिए कमरा नंबर 201 से स्टार्ट है, 202, 203 और पूरा लास्ट यहाँ जाते जाते 210 पे रहा, ख़त्म होता है ये। और कमरा नंबर 202 में देखिए अभी सारे बच्चे चले गए हैं, यहाँ पे अभी कुछ लोग हैं जो कि सामान लिए हुए हैं, अभी जाना बाकी है इन लोगों का, सब कुछ चला गया है। सोच रहा है कि जब तक है तब तक कुछ बिजली का बिल ही सही वसूल लेते हैं, हालांकि बिजली का बिल इसमें नहीं आता है। अब जाने का भाई एक साल हो गया, हॉस्टल से जाने का मन नहीं कर रहा है, जब तक खुला है हॉस्टल तब तक सोच रहे हैं कि समय बिता लें। और दोस्तों देखिए हमारा एक यहाँ पे दोस्त है जो कि हॉस्टल छोड़ रहा है, तो रो रहा है, अभी इसको हॉस्टल से जाने का मन नहीं कर रहा है। आगे का आपको कमरा दिखाते हैं, इसमें ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का समझिए कि एकदम फैसिलिटी बेस्ट है भाई साहब, एकदम जो भी है सारी सुविधाएं इसमें मस्त है फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखिए फैन लगा हुआ है इधर, ये चौकी है और इस पर भी चौकी है इधर, इधर भी देखिए फैन चल रहा है फर्स्ट क्लास। एक चौकी के साथ आपको एक टेबल भी दिया जाएगा ताकि आप पढ़ाई भी करें, इसके साथ एक कुर्सियाँ भी दी जाएंगी, वैसे जो वुडन वाली होती है कुर्सी भी दी जाएगी। और फिलहाल तो अभी एग्ज़ाम चल रहा था तो सारी कुर्सियाँ जो है कि कॉलेज में चली गई हैं। और ऐसी अलमारी रहेगी आपकी, इसमें पेपर वगैरह जो भी आप लगा करके इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है। ये रहा कमरा सब, इस पर भी देखिए हर फ्लोर पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा देखने के लिए। इस पर भी अभी वहाँ पे एक डस्टबिन दिख रहा है, इधर भी डस्टबिन दिखेगा हर जगह, इसके पहले भी उधर आप देखेंगे तो एक डस्टबिन मिलेगा आपको। इसमें भी देखिए दो चौकी है, एक इधर भी चौकी है, इसमें भी फैन लगा हुआ है, इसकी भी अलमारी है, सब कुछ ठीक है इस फ्लोर पे, एकदम जो भी है अच्छे तरीके से बेस्ट। कमरा नंबर 205 है और इस पर का भी बाथरूम वाथरूम देखिए, ये सब जो भी है सब ठीक है। ये रहा बाथरूम, इधर आपको हाथ हाथ धुलने के लिए भी हो जाएगा फ्रेश होने के लिए, ठीक है। ये रहा, और सबसे बड़ी बात खास बात भाई साहब देखिए, यहाँ पे इंटरनेट सुविधा भी दी गई है हर फ्लोर पे, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो या ग्राउंड फ्लोर हो, हर फ्लोर पे आपको इंटरनेट सुविधा दी गई है, वाईफाई वाला सिस्टम, आप वाईफाई कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इस पर से देखिए उधर सामने गर्ल्स हॉस्टल दिख रहा है, इधर ये बाहर का दृश्य है, आपको इधर देखना नहीं है, हालांकि मना है सब कुछ। और ये दूसरा बाथरूम है, ये देखिए इसमें भी सब कुछ ऐसे है। कमरा नंबर 209 दोस्तों, ये हमारा कमरा है, ये देखिए इधर दो चौकी, टेबल, कुर्सी, ये अलमारी, और ये हमारी जगह है, इसको हम पूरी तरीके से पैक कर दिए हैं। अगर कोई भी लड़का अगर कमरा नंबर 209 वहाँ में आता है तो वो ये सारी चीज़ें पैक करेगी, क्योंकि उधर से धूल बहुत ज़्यादा आता है। और ये देखिए ब्रश वाला सिस्टम हम बना दिए हैं, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ब्रश वगैरह आप कुछ रखना चाहे कंघी तो रख सकते हैं, और यहाँ पे जो शीशा होता है वो टांग दीजिएगा, ठीक। और वो बल्ब लगाने के लिए है, इधर एक देखिए हमारा रूममेट रहता था वो भी रूम ले लिया गया, उसका अलमारी और ये चौकी, इधर से आप लोग पैक कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। ये देखिए हमारा कमरा है, अलमारी भी है, अलमारी को हम पूरी तरीके से लगभग यहाँ पेपर वेपर लगा करके इसको पैक कर दिए हैं। अगर आप आते हैं इसमें, अगर कमरा नंबर 209 में कोई अगर रहेगा तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं लगानी पड़ेंगी, बस यहाँ नीचे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यही है हमारा कमरा, देखिए दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अभी थर्ड फ्लोर पे चलते हैं, थर्ड फ्लोर पे भी यही फैसिलिटी है सारी चीज़ें, और ऊपर से थर्ड फ्लोर से जो कि सारा दृश्य देखने के लिए मिलता है, कॉलेज इतना भी दूर में है। चलिए थर्ड फ्लोर पे चलते हैं अभी फिलहाल। ये देखिए उसका बॉक्स है जो इंटरनेट वाला है, वाईफाई वाला, वो उसका बॉक्स है।
और ये थर्ड फ्लोर पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बाहर का दृश्य, आपको बाहर ये सब कपड़ा रस्सी वगैरह बांध करके आप ऐसे कपड़ा टांग सकते हैं। और ये कॉलेज का पूरा दृश्य देखिए दिख रहा है नीचे का, जो भी कॉलेज से है पूरा उधर से देखिए, वो रहा हमारा कॉलेज। ये फर्स्ट बिल्डिंग, उधर वाला फर्स्ट वाली बिल्डिंग, और ये सेकेंड वाली बिल्डिंग है ये नीचे से। अभी देखिए ये सब बारिश का सीज़न है, तो बारिश की वजह से जो कि पेड़ पौधे थोड़ा बड़े हो गए हैं और बाहर जो घास भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जब आप लोग आएंगे उसको साफ़ सुथरा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत एकदम क्लीन। इसमें हम लोग जब आए थे स्टार्टिंग में तो इसको साफ़ वगैरह कर करके, साफ़ करने के बाद इसको हम लोग इसमें गेमिंग भी हुआ था, गेम प्रोग्राम भी हुआ था, सब इसमें इसी में हम लोग देखे थे। उसका वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, आप लोग देखिएगा। हम लोग शायद 1600 मीटर रेस वाला डाले हुए हैं, पूरा गेम का तो नहीं डाल सकते क्योंकि हम खुद गेम में पार्टिसिपेट किए थे तो वीडियो नहीं बना पाए थे। ये देखिए ऊपर से लुक इसका बहुत ही अच्छा शानदार लगता है पूरी तरीके से। और इसके ऊपर भी है लेकिन इसके ऊपर जाना अलाउ नहीं है, वो बंद रहता है ऊपर वाला, क्योंकि उस साइड भाई गर्ल्स हॉस्टल है, बहुत से कुछ है जो कि शरारती बच्चे होते हैं गर्ल्स हॉस्टल में की तरफ लगते हैं, थोड़ा सा उधर देख लें ताकि उनको परेशान कर लें। इस पर भी देखिए कमरा नंबर 301 से 310 तक है, और इस पर भी वही फैसिलिटी है, सारी चीज़ें जो आपको नीचे हम दिखाए हैं वही चीज़ ऊपर भी है, इसमें कोई अलग नहीं है, चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं है। इस पर भी वाईफाई लगी हुई है सुविधा, इस पर भी देखिए डस्टबिन है, सब कुछ है, कमरा भी इसमें अच्छा है। देखिए दो चौकियाँ हैं, इसमें भी फैन वगैरह है, सब कुछ टेबलों पर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। और इस पर भी बाथरूम सब कुछ ठीक है, बता देते हैं जो चौथा फ्लोर है, लेकिन इसके ऊपर जाना अलाउ नहीं है, वहाँ से ताला लगा होगा, उधर बंद है सब कुछ, देखिए उधर जाना अलाउ नहीं है तो हम लोग नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा हॉस्टल का टूर, आप सभी लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और वीडियो को अच्छे से अच्छे तक देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और जो भी बच्चे रहे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, गाज़ियाबाद में आना चाहते हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब भी हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो अभी हॉस्टल के बारे में सर्च बहुत कर रहे थे लेकिन यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस नहीं मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई हमारे साथ तो ऐसा सिचुएशन हो चुका है लेकिन आप लोगों के साथ ना हो, आप लोग जब भी आए तो इसको वीडियो को देख करके आए, सर्च करके आए कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है क्लियर होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों अभी ये तो हॉस्टल का वीडियो है, इसके अलावा अभी हम बाई रोड सही रूट बताएंगे कि आप कॉलेज तक कैसे आ सकते हैं, बहुत से लोग अभी परेशान रहते हैं कॉलेज आने के लिए, उनको सही रूट नहीं पता चल पाता है, अभी मैप पे बहुत से सर्च करते हैं लेकिन उनको सही लोकेशन सही रास्ता क्लियर पता नहीं चल पाता है, और कहाँ से स्टेशन उतरेंगे तो स्टेशन से कहाँ जाना है, फिर कहाँ से कॉलेज पहुँचना है ये उनको पता नहीं होता है, तो उस पर रिलेटेड हम अभी वीडियो से बनाने वाले हैं, आपको उस वीडियो में हम क्लियर बता देंगे कि आपको स्टेशन अगर आप उतरते हैं गाज़ियाबाद तो गाज़ियाबाद स्टेशन से आपको कहाँ जाना है, कितना किराया है, और वहाँ से फिर आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आप जब नए नए आएंगे तो जो ऑटो वाले होते हैं ई रिक्शा वाले होते हैं या बस वाले तो नया समझ करके आपको किराया ज़्यादा ले लेते हैं आपको, या गलत रूट में लेके जाते हैं, इधर उधर घुमाने लगते हैं, जिससे कि आप लोग परेशान हो जाते हैं और कॉलेज तक पहुंचने में बड़ी समस्या होती है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो, तो हम एक वीडियो ज़रूर डालेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।